Hello everyone, watching my video, I am Naveen. Today in this video we are going to learn some important words and sentences and translation also. So let's begin. इसमें कुछ words हैं अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं. जैसे कि हमें किसी के हालचाल पूछने हैं तो सिंपल बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, या फिर बोल सकते हैं हाउ हैव यू बीन, या फिर बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग टूडे, या फिर बोल सकते हैं हाउ डू यू डू. इन सब का अर्थ है कि आप कैसे हो. तो जवाब में भी आप दे सकते हैं आई एम फाइन, आई एम डूइंग फाइन, आई डू वेल. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं आई हैव बीन फाइन, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं. तो इसमें और हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड सीखते हैं. जैसे कि अगर हमें कहना है कि पढ़ने का यही समय है तो नाउ इज द टाइम टू स्टडी. आप कहें कि जो है जाने का समय, यही जाने का समय है, नाउ इज द टाइम टू गो. कोई अभी का जो समय है कुछ करने का है तो उसमें नाउ लगा दो, नाउ लगा के बोल सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि सोने का समय यही है तो नाउ इज द टाइम टू स्लीप. अगर हमें और पूरी तरह से बोलना है कि यही समय है कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए तो नाउ इज द टाइम दैट वी शुड फोकस ऑन अवर स्टडी. तो इस तरह से हम जो है ध्यान इस तरह से हम लिख सकते हैं. कभी कभी कोई बीमार हो जाता है तो बीमार होने के लिए हम अलग अलग तरह सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे बुखार आ गया है तो या तो बोल सकते हैं आई हैव फीवर, या फिर आई हैव गॉट फीवर, या फिर बोल सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर बोल सकते हैं आई एम डाउन विद फीवर, आई एम डाउन विद फीवर, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं. आपको कहना है कि मुझे जुकाम हो गया है, जुकाम को कोल्ड बोल देते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव कोल्ड, या फिर आई हैव गॉट कोल्ड, या फिर बोल सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, या फिर बोल सकते हैं आई एम डाउन विद कोल्ड. तो इस तरह से हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो अलग अलग तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगला है, मैंने जो एक और जो है सेंटेंस लिया है, कभी कभी जो है हमें सुनाई में पुलिस वाले बोलते हैं कि जो मामला है उसकी जांच पड़ताल चल रही है, मामले की जांच पड़ताल चल रही है, मामले की जो है छानबीन चल रही है, इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है. तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं द मैटर इज अंडर प्रोब, द मैटर इज अंडर प्रोब. इसका अर्थ होता है कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है, मामले की छानबीन चल रही है. तो इस तरह से हम बोलते हैं. और दावा करना, दावा करना होता है क्लेम, और किसी वस्तु के लिए दावा करना क्लेम फॉर समथिंग. आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी बाइक के लिए दावा करना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू क्लेम फॉर माई बाइक. तो इस तरह से दावा करना क्लेम, और जो व्यक्ति दावा करता है उस व्यक्ति को हिंदी में दावेदार बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्लेमेंट. क्लेमेंट, क्लेमेंट मतलब दावेदार व्यक्ति, जो दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, उसे क्लेमेंट बोलते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स रहे. इसके अलावा और वर्ड्स, दाह संस्कार करना होता है क्रिमेट. क्रिमेट होता है दाह संस्कार करना, अर्थात जलाना किसी व्यक्ति को, क्रिमेट करना. और किसी को जो है दफनाना, दफनाना होता है बरी. और जो जहाँ पर लोगों को जलाए जाते हैं, मुर्दा अगर बोलते हैं उसे क्रेमेटोरियम, जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है उसे क्रेमेटोरियम बोलते हैं, और जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है उसे बोलते हैं बरियल ग्राउंड्स, उसे बरियल ग्राउंड्स बोल देते हैं. तो ये कुछ इसमें वर्ड्स रहे, कुछ सेंटेंसेस रहे जो हमने सीखे. और भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और भी कुछ नए वर्ड्स और सेंटेंसेस जो है हम उसमें सीखेंगे. तो इस वीडियो में हमने इतने ही सीखे. दीज ऑल द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वी हैव लर्न इन दिस वीडियो. इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल लर्न सम मोर सेंटेंसेस. सो टू गेट मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो लर्न एंड ज्वाइन अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.